Oscar and literary sources. In archaeological sources, we have epigraphic evidences. Most widely known as the edicts of Ashok, widely known as edicts, E-D-I-C-T-S, edicts of Ashok. We have major rock edicts and minor rock edicts. Total 14 major rock edicts are there. 14 major rock edicts are there, which give us the insight of Ashoka's empire. Inside of the Ashoka's empire. Like, number one daliyega, rock edict, MRE, major rock edict number one. Give us the information about prohibition of animal slaughter. तुम्हारे हाथ जितने तेज चलेंगे उतना सही रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है? MRE number 2 gives information about medicinal herbs, and it also tells about Chola Cheras and Pandyas, Chola, Cheras and Pandyas, and their trades. MRE3 talks about the inspection done by the officials like Pradeshiks, Yukt and Rajukas. Pradeshik, Yuktas and Rajukas. MRE4 talk about Dhamma Ghosh replaced Bheri Ghosh. Means major rock edict number 4 talks about that military annexation has been stopped by socio-cultural annexation. Military annexation is replaced by socio-cultural annexation.
Number fifth, it talks about missionary being sent to, missionaries being sent to spread Dhamma. Missionaries being sent to spread Dhamma. They were called Dhamma Mahamat. They were called Dhamma Mahamat. Point six, it talks about reporters. It talks about reporters and spies called Pulasni. It talks about reporters and spies called Pulasni. Reporters were called Pathidevikas. इसको वो वहां पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है, पथिदेविकास. रिपोर्टर्स जो हैं उनको पथिदेविकास बोला जाता था, वो वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है. नेक्स्ट लिखिए, नंबर सेवन टॉक्स अबाउट दैट अशोक वाज रिलीजियसली टॉलरेंट. नेक्स्ट लिखिए, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तुम लोग इसका फोटो खींच लो यार, इतने ऐसे लिखते लिखते तुम लोग पागल हो जाओगे. अरे सात को लिख ही लिए ना तुम लोगों ने, इसको लिख लो, मतलब इसको, क्योंकि सब थोड़े इम्पोर्टेंट है, ठीक. देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर मेजर रॉक एडिक्ट नंबर टू, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 7, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 5, ठीक. ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है वो सब ऐसे ही है, कोई मतलब नहीं उनका, ठीक है. यूजुअली आपसे सवाल जो है वो यहीं से पूछा जाता है, बिकॉज वो क्यों पूछा है वो बताता हूँ, क्योंकि अशोक की विक्ट्री कलिंग में हुई थी, मेजर रॉक एटैक नंबर 13 में लिखा हुआ है. देन मेजर रॉक एटैक नंबर 13 आल्सो टेल्स अबाउट दैट अशोक हैज ट्रेड रिलेशंस विद फॉरेन पीपल, लाइक आपको मिलेगा कि ग्रीक किंग्स एंटियोकस, टॉलमी, एंथोगनस, मागास, अलेक्जेंडर एंड चोलास, पांड्यास, ये सब के साथ जो है अशोक के ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे, ठीक. और इसी से हमको पता चलता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यास इनके कंटेम्प्रेरी साउथ में कौन थे, चोलास, चेरास एंड पांड्यास. चेरास को केरला पुत्र कहा जाता था, अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट से ही पता चलता है, ठीक है. और ये जो आपको 14वां मिलेगा ये क्या है, ये बताता है कि इनग्रेविंग्स ऑफ इंस्क्रिप्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के अलग अलग कहां कहां मैंने क्या कर रखे हैं, मेजर रॉक एडिक्ट लगा रखे हैं, ठीक है. पूरी इंडिया में आप देखेंगे कि अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट आपको मिल जाएंगे, कहीं मैप होगा. मैप नहीं डाला है क्या, है तो ठीक है. तो ये है अशोक का एम्पायर, और ये है आपके अशोकन पिलर्स, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, पिलर इंस्क्रिप्शन. और पिलर आपको बहुत कम जगह पे मिलेंगे, ठीक है.
पिलर आपको मिलेगा रामपुरवा, लौरिया नंदरगन, लौरिया अजराज और आपको म्योलिया पिलर मिल जाएगा। उधर जाएंगे तो यू विल फाइंड टोपरा इन हरियाणा, ठीक, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, ये फिरोज शाह जो तुगलक था वो यहाँ पे लेके आया था इसको, ठीक है। और आपको एक पिलर जो है प्रयाग में ही मिलता है, लेकिन अब उसको जो है एक तरीके से अशोक के बाद समुद्रगुप्त ने अपना नाम जोड़ दिया, ठीक, समुद्रगुप्त के बाद अकबर ने अपना नाम जोड़ दिया उसमें, ठीक। एक पिलर आपको मिलेगा कहाँ पे, भिलसा सांची में, ठीक है। तो पिलर्स जो हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि आपके जो पिलर हैं उससे क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, ठीक। तो ये कि पूरा का पूरा जो आपका मैप है इट इज फुल ऑफ ऑल द इंस्क्रिप्शन गिवन बाय द अशोक। इसमें मेजर रॉक एडिक्ट भी है, माइनर रॉक एडिक्ट भी है, पिलर्स भी है और केव इंस्क्रिप्शन भी है, जैसे धौली है, ठीक है, धौली और जौगड़ा इंस्क्रिप्शन। ये 2022 का क्वेश्चन है कि धौली इंस्क्रिप्शन जो है वो किसके बारे में जानकारी देता है, ठीक, इट टेल्स अस अबाउट अशोक, ठीक। और धौली इंस्क्रिप्शन जो है वो आगे आने वाले पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में छेदी जो किंगडम होता है, ठीक, छेदी के ही जो वंशज होते हैं वो जाके वहां पर रहने लगते हैं उड़ीसा वाले रीजन में, जिसको हम कहते हैं खारवेल। सो किंग खारवेल इज ऑल्सो नोन टू अस फ्रॉम धौली इंस्क्रिप्शन एंड जौगड़ा इंस्क्रिप्शन। एक और इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ मिलेगा वो है आपका हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, इसमें लिखा नहीं है, बता रहा हूं मैं, ठीक है, नॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज रिटन समवेयर, ठीक, इसलिए आप क्लास करने आते हैं, नहीं तो फिर कोई क्लास करने ना आए। अगर सब लिखा हुआ ही मिल जाए, रिसर्च ना करनी पड़े, तो फिर तो हो ही गया काम। सर चोला सर पांड्य सर इसके अंदर से सर किसके अंदर थे? नहीं उसके अंदर नहीं थे, लेकिन वो एक्सेप्ट करते थे अथॉरिटी ऑफ अशोक, ठीक है। चलिए आपने ये मेजर रॉक एडिक्ट जो है उनकी फोटोज आपने ले ली है, ठीक है, आप चाहें तो माइनर रॉक एडिक्ट जो है इसका भी पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में है आपका मस्की, ठीक है, क्योंकि मस्की से ही समझ में आता है कि अशोक गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। आप लोग अगर छोटा मोटा एग्जाम देते हो इधर स्टेट वाला, तो वो पूछेगा कि सासाराम में भी है, सासाराम बिहार में भी आपको मिल जाएगा माइनर रॉक एडिक्ट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मस्की वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मस्की से ही समझ में आता है कि अशोक ने कलिंग जीता है और अशोक का नाम देव नाम प्रिय, ठीक, देव नाम प्रियदर्शी, ये सब है, ठीक है, और वही जो है अशोक है और कोई अलग नहीं है, ठीक। नेक्स्ट और लिखे माइनर पिलर एडिक्ट्स, लिखे दे कंटेन लीगल अनाउंसमेंट ऑफ अशोक। Rock edicts, they contains legal announcements of Ashok and highlights Ashok's obsession with Dhamma, highlights Ashok's obsession with Dhamma. Highlights Ashok's obsession with Dham. Minor pillars are situated at Allahabad. Minor pillars are situated at Allahabad, Sanchi. Sanchi is in Madhya Pradesh. Sanchi and Sarnath. एंड सारनाथ, उसी में लिखिए सारनाथ पिलर एंड इट्स कैपिटल इज द नेशनल एम्बलेम ऑफ इंडिया। सारनाथ पिलर एंड इट्स कैपिटल जो ऊपर है is the national emblem of India with Kirti Chakra,
जो बीच में आपको चक्र मिलता है, इट इज कॉल्ड एज कीर्ति चक्र. इट समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज धम्म चक्र. उसमें लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज धम्म चक्र. फिर लिखिए, अलोंग विथ माइनर रॉक एडिक्ट्स, सॉरी माइनर पिलर एडिक्ट्स के बाद वी ऑल्सो हैव मेजर पिलर एडिक्ट्स. अलोंग विथ माइनर पिलर एडिक्ट्स वी हैव मेजर पिलर एडिक्ट्स एज वेल. ठीक, ये कहां कहां सिचुएटेड है? टोपरा, मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया अजराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा. ठीक, इसमें से दो पिलर जो है आपका टोपरा और जो मेरठ वाला है. ठीक है, टोपरा बेसिकली अभी हरियाणा पंजाब में आ गया, बट इट इज द पार्ट ऑफ हरियाणा अर्लियर. टोपरा और मेरठ वाले जो है फिरोज शाह तुगलक इनको उठा के लेके आ गया कहां पे? दिल्ली में. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. और इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन पिलर है वो बेसिकली कोसम पिलर हुआ करता था, बट बाद में क्या है, एट द टाइम ऑफ अकबर उसको उठा के ले आया गया. सॉरी, अकबर समुद्रगुप्त के टाइम पे उसमें क्या किया, इंस्क्रिप्शन डाला गया. ठीक, और अकबर ने भी अपना इंस्क्रिप्शन जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में रखा हुआ है. तो ये ध्यान रखिएगा, और तुम लोग इतना परेशान मत हो. ठीक है, जो बोल रहा हूं वो सुनो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये सब मिल जाएगा किताब में. ठीक, किताब में जाएंगे तो उसमें सब लिखा होगा. हो सकता है कि इतने अच्छे से प्रॉपरली वो ना हो, लेकिन लिखा जरूर होगा. ठीक है, तो उसमें मत परेशान रहो कि इसको वो कर लें. जो बोल रहा हूं वो सुन, क्योंकि जो बताया जा रहा है वो इंटरलिंकिंग आपको किताब में नहीं मिलेगा. ठीक, कि इलाहाबाद जो पिलर है आपका मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन, इसमें आपको इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त का मिलेगा, और एज वेल एज यू विल फाइंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अकबर एज वेल, कि अकबर ने भी अपने बारे में इसमें कुछ लिखवाया हुआ है. सो दैट्स हाउ एंशियंट मेडिवल जो है वो कनेक्ट होता है. ऐसे मौर्यास और गुप्ता जो है वो कनेक्शन मिलता है उन दोनों के बीच में. ठीक है, तो पूछ लेगा तो फिर वहां तुम लोग गरबा करोगे, बोलेगे उस समय हम फोटो खींच रहे थे. ठीक है, टोपरा और मेरठ जो है ये आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ ले आए गए. अब केव इंस्क्रिप्शन और ये सब जो है, ठीक है, ये आप सारी केव जो है, जैसे आपको जो आपका बराबरी हिल्स और नागार्जुनी हिल्स पे लोकेटेड है, यू विल स्टडी देम. ठीक है, इस पर अभी परेशान मत होइए, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है. गुफा भी आपको दिखाई जाएगी. ठीक है, ये रही गुफा. ठीक है, और उसमें ये भी दिखाया जाएगा कि कौन सी जो है ओल्डेस्ट है, किसके लिए बनाई गई है, और अंदर का जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है. बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री. ठीक, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उसको पढ़ लिया जाए, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. ये किताब में नहीं मिलेगा, इसको खींच डालो. ठीक है, इंस्क्रिप्शन जहां जो करना होगा मैं आपको बताऊंगा. ठीक, तुम सब लोग पार्थ हो. ठीक है, रथ तुम लोग मेरे हाथ में दे दो, उसके बाद बैठे रहो. तो जहां जहां बोला जाए वहां वहां काम करना है तुमको. ठीक है, जैसे सबसे पहला जो आपका इंस्क्रिप्शन है वो निगाली सागर इंस्क्रिप्शन है, जो अभी इंडिया में नहीं है, नेपाल में है. ठीक है, ये क्या रिकॉर्ड करता है? इट रिकॉर्ड फर्स्ट इनोवेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ स्तूप इन 254 BC. किसके टाइम पे? अशोक के टाइम पे. ठीक है, इसका ये भी कहना है कि अशोक ने अवदान सूत्र को फॉलो करते हुए ही हैज कंस्ट्रक्टेड नियर अबाउट 84,000 स्तूप्स इन इंडिया. लेकिन 84,000 स्तूप्स मिलते हैं क्या? नहीं, कहां गए? अरे ठीक है, हो सकता है 84,000 नहीं किए होंगे, इसका जस्ट अपोजिट कर लो, 48,000 तो बनाए होंगे. इतना लंबा चौड़ा अगर नहीं फेंका होगा, चलो मान लो 18,000 बनाए, और कम कर दो, 18,000 मिलते हैं क्या? कहां चले गए? तुमको लगता है कि मंदिर ही सब तोड़े गए हैं? ये है हिस्ट्री. ठीक है, सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़ा गया है, हिंदुइज्म को रिवाइव करने के लिए और हिंदू खतरे में है उसको बचाने के लिए स्तूप तोड़ा गया है रातों रात. ठीक है, बुलडोजर तो था नहीं उस समय, लोग हथौड़ा लेके पहुंच जाते थे, तोड़ देते थे. ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, हिंदुइज्म को रिवाइव किया गया ताकि हिंदू धर्म को जिंदा रखा जा सके. मैं बार बार ये बोलता हूं कि अगर गुप्ता एम्पायर नहीं होता और शंकराचार्य नहीं होते, ठीक, तो हिंदुइज्म जो है वो सच में खतरे में चला जाता, और इंडिया जो है एक बुद्धिस्ट कंट्री होता, इंडिया खराब नहीं होता.
अभी आप तिब्बत चले जाओ, तिब्बत में जो इकोनॉमी फॉलो होती है वो बुद्धिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म नहीं है वहां पे, नेचर को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है वहां पे, ठीक है, और जहां नेचर को वैल्यू दी जाती है वहां के लोग खुश रहते हैं। तो इंडिया से लोग जब थोड़ा सा टाइम पाते हैं तो चले जाते हैं तिब्बत, वहां खुश होकर मोनास्ट्री में जब तप करके आते हैं, बोलते हैं अब हम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, और वो लोग वहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, जो हिस्ट्री है वो है, अब सही क्या है गलत क्या है ये आप जानते हो, मेरा काम है बताना। सेकेंड इंस्क्रिप्शन है स्कंधार इंस्क्रिप्शन, ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ग्रीक एंड अरामिक। यहां से आपको क्या समझना है वो मैं बताता हूँ। बताना ये है कि देखिए कांधार इंस्क्रिप्शन, अशोक जो है उसको ग्रीक वीक समझ में नहीं आता है, ही इज अ इंडियन, उसको क्या समझ में आती है, उसको प्राकृत एंड पाली समझ में आती, कुछ कुछ संस्कृत भी समझ लेता है वो, ठीक है। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज द मेन स्क्रिप्ट ऑफ ऑल द इंस्क्रिप्शंस, चाहे वो मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन हो, चाहे माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन हो, चाहे मेजर रॉक एडिक्ट हो, चाहे माइनर रॉक एडिक्ट हो, ऑल दीज इंस्क्रिप्शन आर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक, और खरुष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में रहेंगे, इंडिया के अंदर जो भी है वहां रहेंगे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, एंड अगर आप नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, पाकिस्तान वाला रीजन, अफगानिस्तान वाला रीजन, यू विल फाइंड खरुष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। अब खरुष्टी क्यों, क्योंकि वो खरुष्टी स्क्रिप्ट वहीं डेवलप हुई है। प्लस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो देन यू विल फाइंड दैट सम इंस्क्रिप्शंस आर आल्सो रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज, क्यों, क्योंकि अशोक जो है वो इस चीज में बिलीव नहीं करता है कि वन नेशन वन कल्चर वन लैंग्वेज, दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम अशोक। अशोक इसलिए इंपॉर्टेंट, बहुत क्लेवर राजा है, क्लेवर का मतलब ये नहीं कि वो लोग को बेवकूफ बनाता है, वो ये जानता है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अशोक इज डिस्पोटिक, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि अब शुरुआत किसकी होगी, डिस्पोटिक किंग्स की, कि मेरा वचन ही है शासन, ठीक। तो अशोक भी डिस्पोटिक है, ही इज वेरी क्रूअल, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज पैटर्नल डिस्पोटिक, मतलब अपनी सारी प्रजा को बच्चों की तरह ट्रीट करता है, जहां गलती करोगे वहां थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन बाकी टाइम पे तुम्हें सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। सो ही इज डिस्पोटिक पैटर्नल किंग, इसका मतलब कि वो बहुत अच्छा राजा हुआ करता, बुद्धिमान जिसे कहते हैं, ठीक है। हमेशा इंटरनल मैटर्स पे मीटिंग्स हुआ करती थी, एंड ही यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग, इसीलिए इतना लंबा एम्पायर वो चला पाया। उसके बाद जाएंगे गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा पुष्यगुप्त, जिसने क्या किया है वहां पे सुदर्शन लेक बनाया हुआ है, ये इंडिया का सबसे पहला इंस्क्रिप्शन है जो चास्टिस्ट संस्कृत में लिखा हुआ है, मतलब शुद्ध संस्कृत में लिखा है। अभी जो संस्कृत बोली जाती है वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, मतलब क्लासिक संस्कृत नहीं है वो, ठीक है। लेकिन ये जो इंस्क्रिप्शन है ये आपको उसमें मिलेगा, और कथियावर या गिरनाक भी इसको कहते हैं। उसके बाद आइए तो आपको मिलेगा रोमेनिडे इंस्क्रिप्शन, ये भी आपका कहाँ पे है, नेपाल में, इसका भी फोटो खींच लो फिर मैं बताता हूँ। आधा फैकल्टी जो है ये बोल के चला जाता है कि मॉडर्न टाइम में कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता, भर भर के इंस्क्रिप्शन है मॉडर्न टाइम पे, और अधिकतर अशोक के टाइम पे लिखे गए हैं, ठीक। इसमें देखिए अशोक क्या है, लुम्बिनी जाता है, क्यों, क्योंकि इट इज दी बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, ठीक है। और उसके बाद टू कमेमोरेट द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा इट रिकॉर्ड्स दैट द विलेज ऑफ लुम्बिनी वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बलि एंड हैड टू पे ओनली 1/8 ऑफ द भाग, मतलब कहने का यहां से इस इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चलता है कि बलि एंड भाग वर दी टैक्सेस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अशोक, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या थे, ऑफिशियल टैक्स बन चुके थे, ठीक है। बलि नहीं लेना है, बलि मतलब कि एक होता है ना कि एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, वो अभी भी ऐसे चल रहा है, बट वो एक तरीके से अनसेट जो है फॉर्मल टैक्स बन गया है, किसी ने कहा नहीं है बट सब करते हैं तो लोग उसको फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक। सेकेंड इज सन्नति इंस्क्रिप्शन, जो आपको कर्नाटका में मिलेगा, ये आपको बताता है क्या कि कहाँ कहाँ 14 मेजर एडिक्ट्स हैं, ये लोकेशन बताता है सारे मेजर रॉक एडिक्ट्स की, ठीक है, कि कौन सा कहाँ पे लिखा गया है। एंड टू सेपरेट कलिंग एडिक्ट, कि कलिंग में जो दो एडिक्ट लिखे, एक में लिखा हुआ है कि अशोक जो है बहुत ही क्रूएल है, ठीक, अशोक ये करता है, मार देता है, तलवार ही तलवार चलती है, जहां देखो तहां वहां खचाक खुचाक चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक जगह पे लिखा हुआ है कि अशोक बहुत दयालु है, हृदय परिवर्तन हो गया उसका, और अशोक अब क्या हो गया है, धर्म प्रवर्तक, ठीक है, राजा नहीं है वो,
वो क्या है, वो धम्म प्रवर्तक है, उसने क्या स्थिति ही बदल दी है। ठीक, इतना पावरफुल किंग है कि वो एक डिसीजन से पूरा देश बदल सकता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट कलिंग एडिक्ट, जहां आपको वो भौली नहीं है, धौली है। ठीक है, वो जिसने भी ये पीपीटी बनाई है, मैं थोड़ा बताता हूँ, ये सब गधा मजदूरी मैं करूंगा। ठीक, तो बनवाई गई है उससे। ठीक है, तो उसमें उसने बी लिख दिया, वो धौली है। ठीक, तुम लोग करेक्ट कर लेना, भौली, धौली एंड जौगुड़ा। ठीक है, ये क्या करता है, ये बताता है कि सारे के सारे लोग जो हैं सब मेरी क्या है, संतानें हैं। अभी थोड़े पहले मैंने आपको समझाया, ही इज अ डिस्पोटिक पैटर्नल किंग, कि अपनी जो प्रजा है सबको बच्चा मानता है। ठीक है, सब मेरी क्या है, संतानें हैं, और अपने संतानों के साथ कभी भी कोई फादर जो है बुरा नहीं करेगा। पनिशमेंट अगर देगा तो उसके लिए देगा ताकि ये लोग जो है वो सुधर जाए। ठीक है, नेक्स्ट इलाहाबाद कौसम, जिसको क्वीन सेडिक भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए जहांगीर जो है वो रिस्पॉन्सिबल था कि, और उसके बाद जो आपका अकबर का टाइम पीरियड था वो पहले उसमें लाया गया, और उसके बाद जहांगीर जो है वो भी रहता है कि मेरी एक क्वीन हुआ करती थी, उसका नाम था मेहरुन्निसा। ठीक, बहुत सुंदर हुआ करती थी वो। ठीक, अशोक इस कौसम पिलर में क्या करता है, ये वॉर्न करता है मेंबर ऑफ सन को अगेंस्ट कॉजिंग डिविजन इन दी रैंक्स। क्यों? क्योंकि अशोक जो है वो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हुआ करता था, ही बिलोंग टू हीनयान ट्रेडिशन, महायान में यकीन नहीं रखता था वो। ठीक है, महायान मतलब मूर्ति पूजक नहीं था। ठीक है, तो उसने कहा कि तुम लोग डिवीजन उधर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। ठीक, समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन भी आपको इस एडिक्ट में मिल जाएगा, जिसमें समुद्रगुप्त ने लिखा है कि जहां जहां मैं जाता हूं वहां वहां लोग मेरे से डर जाते हैं। ठीक है, और जितने राजा मेरे से मिले हैं सबकी पिटाई कर दी मैंने। ठीक, मैंने 14 राजाओं को हराया है। ठीक, तो जब दूर दूर तक कोई बच्चा नहीं सोता है तो माँ यही कहती, सो जा नहीं तो समुद्रगुप्त आ जाएगा। ठीक है, इतना खतरनाक हूं मैं। ठीक, कैमरामैन फोकस करो। ठीक है, देखो पता है एक चीज बताओ, अभी कल मेरे पास चंडीगढ़ ब्रांच से फोन आया। ठीक है, मैं वहां पे जनवरी में गया था पढ़ाने के लिए, बट फिर मिसाप हो गया तो मुझे 3 दिन बाद ही वापस आना पड़ा। मैंने 3 दिन या 4 दिन की क्लास ली होगी वहां पे, तो बैच छूट गया फिर। तो दे हैव कॉल्ड मी सेवरल टाइम्स, बट मैंने जनवरी के बाद कोई क्लास नहीं ली थी। आपका जो क्लास है वो पहला क्लास है जनवरी के बाद। आई वॉज ऑन ब्रेक, मन ही नहीं था मेरा कुछ करूं मैं। ठीक है, बिकॉज सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव कम ऑल ऑफ अ सडन, मतलब एकदम से जो है ना वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए। तो अभी फिर उन्होंने हार मान के क्या है कि दूसरा टीचर बुला लिया कि भाई ये सर नहीं आ रहे हैं तो हम किसी और से पढ़वाएं, अब क्या करें। तो 15 उन्होंने मेरे को बहुत पहले वो किया था, आई थिंक अप्रैल में मैसेज कर दिया था कि अगस्त में फिर से हम बैच लगाएंगे एंड हम चाहते हैं कि आप ही आए। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, अपॉर्चुनिटीज के लिए कोई मना थोड़े करता है। वी आर इन प्राइवेट लाइफ, तो हमें क्या है 4-5 दरवाजे इकट्ठे खुले रखने पड़ते हैं। आपका जब मन कर, आपके पास जब चॉइसेस होंगी तभी तो आप चूज कर पाओगे ना कि हाँ यहाँ